नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों में हुई जोरदार टक्कर में चार लोगों के घायल हो जाने की जानकारी मिली है। इस हादसे में तीन लोगों को सिविल हॉस्पिटल जबकि एक को निजी हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तीन साधु अपनी बाइक पर सवार होकर रूपनगर से बाबा बालकनाथ जा रहे थे कि इनकी बाइक दूसरी ओर से आ रही एक बाइक से जा टकराई। इस हादसे में तीनों साधु तो घायल हुए ही, वहीं मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे व्यक्ति को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसे एक टेम्पो चालक ने निजी हॉस्पिटल पहुंचाया। इस हादसे के उपरांत अपना मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भागने के चक्कर में थे ये तीनों साधु, जिन्हें लोगों ने पकड़कर उनकी घायल अवस्था को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। पहले सुने क्या कहा टेम्पो चालक ने। इन साधुओं को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले राजन साहनी ने क्या कहा, जे भी सुने। नाम बोलो। राजन साहनी। राजन जी दसो, जो बाबे से फटक लेके आए हो, इतने क्या होया की सी? पता नहीं, कोई रोला जहा पिया भी एक्सीडेंट हो गया बाहर, तो इधरों अपने तीजे साथी लभन जा रहे थे मेरे ख्याल, तो लभ नहीं रहा था। फिर उन्होंने आप पूछा भी थोड़ा साथी कितने, कहते बाहर है, साडा एक्सीडेंट हो गया। अपने भी इन्हें सट्टा काफ़ी लगिया सगिया। फिर असं उतो चुकया मुंडे ने, साडे पुराने गुरुद्वारे कोई मुंडे आए चक्के सके, चलो पहले इन्होंने भी दिखाइए हॉस्पिटल। जरा दूजा बंदा उन्होंने आप संपर्क किया काफ़ी, वो लत्त लुत्त तो लगी भी है कहते काफ़ी, उन्होंने कहल दे लै गए वे ये आप जाके हूँ इतने लिया सरकारी हॉस्पिटल भी, इन्होंने भी थोड़ा बहुत लगी भी काफ़ी इलाज उलूज करवाइए। बाकी हूँ तो इन्होंने पता से मौके पर तो है नहीं सके, पर आप इन्होंने चक के इतने लिया भी चलो फर्स्ट एड तो देिए, साडा फर्ज सीगा। कितों लेके आए इन्होंने? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਅਦ। ਸਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਲੱਤ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ੀ ਦੇ। इस बारे में और जानकारी देते राजेश नामक युवक ने बताया कि तीनों साधु घायल अवस्था में बड़ी तेजी से हमारे आगे से निकले, तो हमें शंका हुई, तब इन्हें पकड़कर पूछा तो इन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहा राजेश ने, आप भी सुने। उधर साधु राहुल और रोग गोविंदा ने कहा कि उन्हें नहीं पता लगा कि ये हादसा कैसे हो गया। क्या कहा इन साधुओं ने, ये भी सुने। बोलो राहुल। राहुल कहाँ से आए थे, आप कहाँ जा रहे थे? रोपड़ से आए बाबा बालकनाथ जा रहे थे। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इनको पता है? नाम बोलो। गोविंदा। गोविंदा, तो कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये पता नहीं चलता। तो भागे क्यों फिर एक्सीडेंट करके? नहीं नहीं, इनको देख रहे थे, ये हमारे हैंडीकैप जी वाले। चुप थे। हां ये हैंडीकैप थे ना, देख रहे थे। हां तो लोग बोल रहे हैं कि आपको पकड़ के लाए हैं यहां पर? नहीं, ये मारा चोली डंडा इसकी। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।